बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं जी शाजनाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद शाजिया। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? आज की जी मेरी डेली रूटीन आज जो है वो सुबह से हो चुका है, तो मैंने सोचा कि छोटा सा जो इंट्रो है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो आज जी देखते हैं आज डेली रूटीन में मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया है। तो आज जी टाइम को ज़ाय किए बगैर ब्लॉग का आगाज करते हैं। क्या हुआ है? गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है? सर्दी। और अनाया आपको सर्दी सर्दी लग रही है? अच्छा, आज अनाया के स्कूल में फंक्शन है। चलो जल्दी से अपना एप्पल खत्म करो, फिर मैं आपको अंडा खिलाती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना तैयारी करनी है स्कूल की। नहीं बेटा, आपने खाना है एप्पल तो खाना है, एप्पल तो खाना लाजमी। हाँ हाँ, यहाँ पर जी ये है जी हमारे आज का शहर का मौसम। हाँ, बहुत धुंध है भाई आज। मैं एक मिनट आती हूँ, आप लोग मेरे पीछे नहीं आना। बहुत धुंध है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कैसे जाएंगे हम लोग स्कूल? बस अल्लाह की अमान है, बहुत ज़्यादा धुंध है। यहाँ पर जी हम लोग अनाया के स्कूल पहुँच चुके हैं। ये अनाया के क्लास टीचर हैं, तो अनाया ने सबसे पहले आते ही उनके साथ फोटोग्राफ बनवाया है। तो जी फंक्शन इस वक्त स्टार्ट हो गया है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर जी बच्चों से एक्टिविटी कराई जा रही है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे बच्चों को उन लोगों ने, मतलब विंटर की जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया। मतलब विंटर असल में ये है कि उनका ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह करवाने का मकसद ये है कि वो बच्चों को रियल लाइफ में वो चीज़ें दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को एंजॉय कर सकें। उन्हें पता चले कि विंटर में कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन कौन सी विंटर की जो है वो स्पेशल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जाइए बच्चों को स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे एंजॉय करें। Hello, mic check. Okay, everybody ready? कितने सारे मौसम हम करने हैं, सर्दी गर्मी। यहाँ पर जी मैं बैक पे खड़े होकर वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि फ्रंट से जो है मतलब ज़्यादा ना आए, तो पता है फ्रंट से अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो पेरेंट्स खड़े हैं, मदर्स खड़ी हैं जिनकी जो है फेस से भी होंगे, तो बैक पे खड़े होकर वीडियो बनाते and I'm going to come and come see
I'm freezing. I'm coughing. I'm sneezing. I'm coughing. I'm sneezing. I'm burning my nose. I'm burning my nose. It's winter. It's winter. And I'm getting cold. It's winter. It's winter. And I'm getting cold. आज के इस फंक्शन में नाइट की क्लास की जो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो टीचर्स हैं उन्होंने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए थे, बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पर। रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम था, बहुत अच्छा जो है सारा जो है इंतज़ाम किया हुआ था। रिफ्रेशमेंट काफ़ी कुछ था, काफ़ी डिशेज थी। अब मैं किस किस चीज़ का नाम लूँ, मतलब काफ़ी सारी डिशेज बनी थी जिसमें मतलब पास्ता था, सैंडविचेज बने हुए थे डिफरेंट टाइप्स वेजिटेबल्स के साथ और चिकन के साथ, डिफरेंट टाइप्स चीज़ें थी। तो कुछ बच्चों के लिए उन्होंने कप केक्स वगैरह, चाय कॉफी वगैरह का भी अरेंज था। यहाँ पर भी बच्चे मेरे बैठ के एक्टिविटी कर रहे थे। तो साथ ही जो है टीचर्स बच्चों को विंटर कलर्स के बारे में, विंटर की डिफरेंट चीज़ों के बारे में कुकिंग दे रहे थे। तो यहाँ पर जी बच्चों ने अच्छी ड्राइंग की। अनाया, हानिया भी ड्राइंग कर रही थी, लेकिन अनाया जो है क्योंकि वो करती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। आप लोगों ने समझ रही थी टीचर की बात को और सॉरी स्टॉल्स वगैरह काफ़ी लगे हुए थे, रश बहुत ज़्यादा था, क्राउड बहुत था। तो इंतज़ाम बहुत अच्छा था, रिफ्रेशमेंट के हिसाब से भी उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। और वैसे बहुत अच्छा था पति बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्टॉल्स वगैरह बनाए थे, कितना ही लग सकता था, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है उसको मैंने बना सके थे। यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, मुझे भी पेरेंट्स के साथ मिलने का मौका मिला, काफ़ी सारे पेरेंट्स के बीच मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। टू आवर्स का मतलब दो घंटे का फंक्शन था, लेकिन उसमें मैंने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ था। रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम था और काफ़ी सारी डिशेज बनी हुई थी। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खेल खेल के थक चुके थे, तो उनको फिर मैंने बिठा दिया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि बहुत इंजॉय किया बच्चों ने और बहुत अच्छा लगा। बहुत से मतलब से पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई जो कि जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल गई थी। तो इस तरह के बच्चों के जो फंक्शंस होते हैं या उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जी अब फंक्शन इन लोगों का ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग अपने रिक्शे के इंतज़ार में बैठे हैं। जैसे ही हमारा रिक्शा आएगा तो हम लोग रवाना हो जाएंगे। हानिया, एंजॉय किया आपने? नया, आपने भी एंजॉय किया? वाह, इतना अच्छा सेलिब्रेशन था मेरे बेटे का। बस उधर ही उधर ही उधर ही उधर चले। हानिया, सही से खड़े हो, सही से खड़े हो। उधर खड़े हो जाओ, सही से अच्छी सी वीडियो बनवाओ, मैं देखती हूँ। यहाँ पर जी रिक्शा हमारा पहुँचा नहीं था, मैंने सोचा कि कुछ वीडियो क्लिप्स बना लिए जाएँ अपने ब्लॉग के लिए और साथ ही बच्चों के फ़ोटो वगैरह बना लिए जाएँ। लेकिन यह है कि इस एज में बच्चों की मतलब एक्टिविटीज़ उन्हें करने का इतना ज़्यादा शौक होता है कि उन्हें एक जगह पे खड़ा करना, इनके वीडियोज़ या पिक्चर बनाना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन मुझे क्योंकि अपने ब्लॉग्स करने होते हैं, तो इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है मोटिवेट करके बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जी बहुत जल्दी क्विकली इन्होंने सब कुछ क्लोज़ कर दिया है, हमारा रिक्शा भी आ गया और अब हम लोग घर के लिए रवाना हो गए हैं। ये देखें जी बाहर के हालात, बहुत ज़्यादा धुंध है। ये तो अभी थोड़ा बहुत कम हो गई है, लेकिन यह है कि जिस वक्त हम आए थे उस वक्त 11:30 का टाइम है, लेकिन फिर भी धुंध जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस वक्त हम आए थे उस वक्त तो बिल्कुल ही अंधेरा लग रहा था, कुछ भी सामने से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यह है कि फंक्शन था तो जाना भी ज़रूरी था। अभी जी हम लोग घर के लिए रवाना होंगे और बाकी का व्लॉग जो है अभी मैं घर पहुँच आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रास्ते की जो भी वीडियोस हैं अगर मैं बनाऊंगी तो मेरी साइड के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं और घर के लिए रवाना होंगे। ये हमारे घर की गली है, कितनी ज्यादा धूंध है आज। ये हैं जी हमारी गली में धुंध के हालात,
आज सूरज नहीं निकला है तो धुंध खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बच्चों के स्कूल में फंक्शन था, थोड़ी देर के लिए जाना पड़ गया। उफ, सर्दी में कुल्फी जम गई। अच्छा आप ये खेल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप? ओ गॉड, इन्होंने मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आज जी हमारे घर का मौसम बड़ा हसीन है। दादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही थी कि मुझे याद आ गया हम लोगों ने नारायण कागान को ट्रेवल किया था, उस वक्त मेरे बड़े बच्चे मेरे साथ थे, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। तो ये देखें जी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चारों मौसम बनाए हैं बहुत ही हसीन हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हर मौसम का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर जी मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करने लगे, बच्चे साथ खेल रहे थे, तो भाग भाग के स्कूल में ये वार्म अप हो गए थे, इसलिए अपनी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। तो मैं चाह रही थी कि अब जल्द अज जल्द इनको अंदर ले जाऊँ, लेकिन इनका खेलने का मूड था। वैसे आपस की बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था इस मौसम में बाहर खड़े होके बच्चों के साथ गपशप करना। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों के साथ एंजॉय किया और मेरे बच्चे भी काफ़ी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ तो अच्छा, हमारा दिन बहुत अच्छा गया। यहाँ पर जी मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ, तो हम तकरीबन आधा घंटा जो है बाहर खड़े रहे हैं, लेकिन यह है कि आज सूरज का निकलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। जो है सूरज निकले बच्चों के, मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई हैं, कुछ स्टॉल्स की पिक्चर्स हैं, उनका मैं अलग से ब्लॉग बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर जी अपने बच्चे घर आ चुके हैं और अब घर में इंजॉय किया दोनों ने, विंटर सेलिब्रेशन थी ना ये, अच्छा लगा, गुड। हेलो करो मामा को, और उधर ही बैठे रहना, उधर ही बैठे रहना, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। ये जी आज बच्चे स्कूल गए हुए थे, फंक्शन था स्कूल में, काफी हैप्पी हैं दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ जी शाजिनाज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद शाजिया। कैसे हैं जी आप सब लोग? अभी जी एन आई टी स्कूल से फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं हम दोनों बच्चे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। अच्छा मैंने ये दुपट्टा इसलिए पकड़ा है कि मेरा ना फ्रंट कैमरे में, क्योंकि मोबाइल थोड़ा करीब होता है तो मुंह इतना बड़ा नज़र आता है कि मुझे खुद को डर लग रहा होता है, तो इसलिए मैंने दुपट्टे को ऐसे पकड़ा होता है कि ताकि मेरा मुँह थोड़ा सा पतला नज़र आए। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है अपने वेट की फिक्र करनी चाहिए। तो चलें जी आज के ब्लॉग को स्टार्ट मैंने सुबह से किया हुआ है, तो अभी ब्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी मैं बच्चों के कपड़े चेंज करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी और देखते हैं जी आज का ब्लॉग जो है वो कितने टाइम तक मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बच्चों को भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, तो जी अभी मैं इनके साथ बैठ के बात करूँगी। हाँ जी बताएं आज का फंक्शन कैसा रहा? अच्छा अच्छा रहा। हानियों एंजॉय किया आपने? क्या क्या खाया था फंक्शन में, क्या क्या था, क्या क्या खाया? कपकेक सैंडविच सैंडविच और पास्ता पास्ता और मैंने बारे चले चले आप बताएं बताएं आप क्या क्या फंक्शन में खाया? भूल जाती हो। देखो आप भूल जाती हो और हानिया ने जल्दी से बता दिया। हाँ ये क्या बात हुई? तो जी यहाँ पर अभी मैं अपने अच्छा अच्छा चले चले बताएं बताएं गुड सैंडविच सैंडविच और चाय 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 भी पी थी और भूल गई हानिया नायक को याद करवा रही है अभी जी। अच्छा चलो चेंज करके अभी कार्टून चला के दूंगी। अभी मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट इनका जो है वहाँ पे हो चुका है, घर से भी मैंने इनको थोड़ा बहुत खिला दिया था। अभी जो है मैं इनके कपड़े चेंज करूंगी और उसके बाद आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के साथ।
तो जी डियर व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को खत्म करती हूँ, क्योंकि व्लॉग जिस वक्त बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता है तो वीडियो की एडिटिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो जी मेरे चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूअर्स को जी मैं खुशामदीद कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। आज जी मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, काफी ज्यादा एंजॉय किया बच्चों ने, विंटर सेलिब्रेशन थी तो छोटा सा फंक्शन था 1 से 2 घंटे का, लेकिन यह है कि उसमें बच्चों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना है कि आप लोगों के बच्चों के स्कूल में आजकल क्या फंक्शन की सेलिब्रेशन चल रही है। तो जी इसके साथ ही मुझे शाहजनाज को इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, आने वाली तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे शाहजनाज को इजाजत दीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।